वो कह रहे हैं भाई कुत्ते को इसने काट लिया तो इसका मारना जायज है, तो ना तो हम इसके खिलाफ एफआईआर करेंगे ना हम इसका कुत्ते का इलाज कराएंगे। संजय जी, गौ रक्षा दल भिवानी के अन्य सदस्यों के साथ अनिश्चित काल धरना पे बैठे हैं एक कुत्ते को इंसाफ दिलाने के लिए। कोई एक कुत्ते को एक विष्णु नाम के व्यक्ति ने लठ मार मार के घायल कर दिया, तो कारण पता लगा तो वो बोलता है कि मेरे को कुछ कुत्ते ने काट लिया। तू भी बोले तेरा मारूंगा तो मतलब बाद लीडर थी। मोहल्ले वालों ने उस लड़के को पकड़ लिया और 112 नंबर पे फोन मार के पुलिस को बुला लिया। पुलिस को हमने कहा भी इसका किसी तरह इलाज कराओ पहले, तो बोले हमारा काम नहीं है ये। वो कह रहे हैं भाई ना तो हम इसके खिलाफ एफआईआर करेंगे ना हम इसका कुत्ते का इलाज कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे? वो पुलिस वाले कहते भी इसको काट लिया था तो इसलिए इसका मारना जायज है, यानी कि अगर कोई मेरे थप्पड़ मार दे तो मैं उसका सिर फोड़ सकता हूँ। उनका कहने का मतलब ये है, हमाल कर दिया। मैं अक्सर देखता हूँ जब कोई जानवर किसी को काट लेता है या कटखना हो जाता है, और क्योंकि प्रशासन ने तो इसके लिए कोई समाधान दे नहीं रखा, लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और उस जानवर के साथ मारपीट करते हैं या उसको जहर दे देते हैं या गोली मार के ख़त्म ही कर देते हैं। लेकिन ये गैर कानूनी है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत अगर आप किसी जानवर के साथ मारपीट करते हैं तो ये क्रूरता है, और उस मारपीट के दौरान अगर कोई जानवर मर जाता है या गंभीर रूप से घायल होता है तो आपके अगेंस्ट एफआईआर की जा सकती है। हेलो इंचार्ज साहब, राम राम। एक कुत्ता का इलाज आयु साहब गए थे उस कुत्ता का करवा होगा तो मालिक करवा होगा। सुनो, कोई मालिक नहीं हो, गली का है। गली का है तो करवा दो, फिर हम थोड़ी करवाओगे कुत्ता का इलाज। अब जब मामला कोर्ट में जाएगा तो जिसके साथ मारपीट हुई है उसका मेडिकल चाहिए होगा, और ये मेडिकल अगर पुलिस नहीं कराएगी तो कौन कराएगा? और ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ इंसानों के लिए बना है। 31 मई 2019 में हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने कहा था कि भाई हवा में उड़ने वालों से लेकर पानी में तैरने वालों तक सारे जानवर लीगल एंटिटीज हैं। एक कुत्ता के यानी कि उसके अंदर जान नहीं होती, उसके अंदर जीव नहीं होता। वो हमने तो जीव वही लड़ाई लड़नी, गाय के लिए भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमने वही लड़ाई, इस कुत्ते के लिए लड़ाई लड़नी है। लगातार 27 तारीख से आज 3 तारीख हो गई, हम लगातार धरने बैठे और कुत्ते को न्याय दिला के रहेंगे। तो देखिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए ये कानून सिर्फ मुझे आपको पता होना काफी नहीं है, हर एक नागरिक को ये कानून पता होने चाहिए, खासकर पुलिस वालों को। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, और शेयर करते हुए अपने राज्य के पुलिस महकमे को टैग जरूर करिएगा।